नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जो कल साइट पर गया था, कहाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो मेरे काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं। उन्होंने अपने यहाँ कुछ एरिया एक्सटेंड करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है और कुछ रेनोवेशन भी करनी है, क्योंकि प्लांट बड़ा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। तो कल उन्होंने मुझे अपने यहाँ इन्वाइट किया था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा, क्योंकि पीछे का जो मौसम गया है वो बारिश का मौसम था, और बारिश के मौसम में होता गया है, जो बड़ी बड़ी लैंड होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ पर जो चार दीवारी की हुई होती है वो कहीं ना कहीं से झुक जाती है। तो सबसे पहले वहाँ पर जो वास्तु दोष मुझे मिला वो उनकी एक दीवार, साउथ वेस्ट की दीवार, बाहर की ओर झुकी हुई थी, जिसके कारण कई प्रकार की दिक्कतें आती है। जब भी दीवार अंदर की ओर झुक जाती है या बाहर की ओर झुक जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के कारण बनते हैं, फाइनेंस लॉस होने के कारण बनते हैं। जैसे ही दीवार को सीधी करेंगे तो वापस रूटीन ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें और चेंज करनी थी। नॉर्थ की दीवार पर प्लास्टर ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा कि इस दीवार पर प्लास्टर कराइएगा और साथ में कलर कराएंगे तो भी बेनिफिट मिल जाएगा। उन्होंने अपने यहाँ पर बोर करने थे, सबमर्सिबल लगाने थे, दो सबमर्सिबल लगाने थे, तो मैंने उन्हें जो पिछली बार सलाह दी थी वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में सलाह दी थी, एक नॉर्थ सेंटर में आ जाएगा और एक नॉर्थ ईस्ट में आपका सबमर्सिबल आ जाएगा। यहाँ पर सबमर्सिबल लगने से, बोरवेल लगने से आपके यहाँ फाइनेंस आने के साधन और ज़्यादा प्लस हो जाएंगे। जो इंडस्ट्री है उनके बैक साइड में उनकी अपनी लैंड पड़ी है और वो उस लैंड को अपने अंदर कवर कर रहे हैं, यानी उस लैंड की चार दीवारी करा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर उस लैंड की चार दीवारी के लिए भी बताया और उसकी फिलिंग करने के लिए भी बताया कि जो हमारा प्लांट है उस प्लांट के लेवल से जो ओपन एरिया, जो लैंड खाली पड़ी है उसका लेवल ऊँचा करना है। और चार दीवारी जब आप करेंगे तो वो चार दीवारी भी जो बनी हुई फैक्ट्री है उसकी साउथ की दीवार से जो ओपन एरिया की साउथ की दीवार है वो ऊंची करनी है। ऐसा करने से उनको अच्छा बेनिफिट जरूर मिलेगा। ऐसे ही ईस्ट की दीवार जो फैक्ट्री की दीवार है उसी के लेवल के बराबर करनी है, और वेस्ट की दीवार आपकी जो साउथ की दीवार है उस लेवल के बराबर करनी है। साउथ की दीवार कौन सी, जो नई दीवार साउथ की बना रहे हैं उसके लेवल के बराबर करनी है। और साउथ वेस्ट में मैंने उनको एक चिमनी खड़ी करने के लिए भी कहा, क्योंकि जैसे ही वो उस लैंड की चार दीवारी करेंगे और उसकी फिलिंग करेंगे तो उसका वास्तु अपने आप में काम करना शुरू कर देगा। चिमनी की हाइट बिल्डिंग के लेवल से ऊंची होनी चाहिए, और चिमनी के ऊपर क्रीम कलर या येलो कलर का पेंट करने के लिए कहा है। आप अपने यहाँ पर यह काम कर लेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। आपका प्लांट स्मूथ, वैसे तो स्मूथली चल ही रहा है, और ज़्यादा स्मूथ होता चला जाएगा, आपकी वर्किंग और प्लस होती चली जाएगी। आपकी भी अपनी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और अच्छी नहीं चल रही है, आप परेशान हैं या बार बार रुकावटें आती है, तो ऐसा क्यों होता है? आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में पानी का बोरवेल लगाकर साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के हिस्से को ऊंचा करने से, साउथ वेस्ट में ओपन एरिया तो वहाँ पर चिमनी लगाकर उस हिस्से को सबसे ऊंचा करने से आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आप मुझे अपने यहाँ इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप मुझे अपने यहाँ साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहती है तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर, लेआउट भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। और आप अपनी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।